हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये जो हमारी थ्योरम है, यानी कि ये 8.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। ये जो तीन थ्योरम है हमारी, इसको हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी थ्योरम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। और थर्ड है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो ये अगर वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो फिर आपको यहां पे अगर कभी भी किसी थ्योरम में कोई कंफ्यूजन होता है कि साइन के साथ कॉस है, टेन के साथ सेक है, कॉट के कॉसेक है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप ये इंट्रोडक्शन अगर देख लेंगे तो कभी भी इन थ्योरम को आप भूलोगे नहीं। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इजिली उनको बना पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको जो 6 रेशियो हमारे पास है वो आपको लर्न होने चाहिए, यानी कि हमारा यहां पर ये वाला पी बी पी, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो जो P अपॉन H होता है वो हमारा साइन थीटा का होता है, B अपॉन H हमारा होता है कॉस थीटा का, P अपॉन B होता है हमारा टेन थीटा। तो ये रेशियो आपको यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के लिए, इन प्रूफ के लिए याद होना चाहिए। फिर H अपॉन P, साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कॉसिक थीटा। फिर B अपॉन H का रिवर्स, H अपॉन B होता है cos का अपोजिट sec थीटा, और tan का अपोजिट हमारा होता है यहाँ cot थीटा। यानी tan P अपॉन B है तो cot B अपॉन P होगा। ये रेशियो आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब इस इंट्रोडक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। और ये जो थीटा है हमारा, क्योंकि इसमें जो भी हमें प्रूव करना है, तो ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दो एक्यूट एंगल है, बट जो ये थीटा है वो हमारा बेस पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए पी एम ले लिया। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें एक 90 डिग्री बनाया। और ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल पी भी हमारा एक्यूट एंगल है, बट हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए एक्यूट एंगल हमेशा बेस पे होना चाहिए। तो ये थीटा हमने यहाँ बना लिया, यहाँ नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला हमारा बेस ले लिया, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है उसमें से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है, बट इसको हमने बेस लिया, इसको हमने परपेंडिकुलर लिया, और 90 के जो सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस हमारा यहाँ से कौन हो गया, ए एम स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ पी एम स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हो गया हमारा यहाँ ए पी स्क्वायर। तो इतना तो आप लिख लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो, कोई भी नेमिंग कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब यहाँ पे तीन प्रूफ हमारे इस तरह से आएंगे कि एक बार आप इस ट्रायंगल को बेस से, यानी कि ए एम स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो हमारा इन तीनों में से कोई एक प्रूफ आ जाएगा। एक बार आप इस पाइथागोरस थ्योरम को, ये पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट आया उसको आप पी एम से डिवाइड कर लो, यानी कि परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लो दोनों साइड में, और एक बार इसको आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लो। तीन साइड है, तीनों साइड से एक एक बार हम डिवाइड करेंगे, तो इन तीनों में से एक प्रूफ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले के लिए, पहला वाला प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है, ये यानी ए पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, और आप यहाँ देखो साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच है, कॉस थीटा हमारा बी अपॉन एच है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को एच से डिवाइड करेंगे, यानी हाइपोटेनियस से, हाइपोटेनियस कौन है हमारा यहाँ ए पी, तो हम ए पी स्क्वायर, क्योंकि ये सारी साइड स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में भी ए पी स्क्वायर लिख लिया, और राइट हैंड साइड के डिवाइड में भी ए पी स्क्वायर लिख लिया। अब हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन टर्म है, ये सिर्फ दो ही है, तो हम इनको ए पी स्क्वायर को एक बार इसके साथ अलग लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ अलग लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर, हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। फिर पी एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर से ए पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये अगर ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ए अपॉन बी का स्क्वायर नहीं राइट कर सकते हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ए एम अपॉन ए पी का स्क्वायर प्लस पी एम अपॉन ए पी का होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे देखो, ए एम हमारा यहाँ कौन है, बेस, और ए पी हमारा यहाँ पे कौन है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, कॉस
थीटा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर पी एम, पी एम यहाँ पर हमारा कौन है परपेंडिकुलर, ए पी हमारा कौन है हाइपरटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस हमारा क्या होता है साइन थीटा, तो इसीलिए हम मैंने आपको ये रेशियो लिखा क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइड में हेयर हेयर ए एम अपॉन ए पी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है बी अपॉन एच, जो हमारा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल, और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है पी एम अपॉन ए पी, तो वो हमारा है पी अपॉन एच, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा। तो ये हमारा कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस साइन थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू वन, तो स्क्वायर को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर लिया। तो अगर आप हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम चाहे हम बेस से डिवाइड करें चाहे हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करें तब हमें रिमेनिंग जो दो आइडेंटिटी वो हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं बेस से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा सेकेंड प्रूफ। तो नाउ डिवाइडिंग Now dividing equation first both side में divide करना है by ए एम स्क्वायर, पहले हमने ए पी से डिवाइड किया अब हम ए एम स्क्वायर से डिवाइड करें, सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, डिवाइड करें ए एम स्क्वायर से, तो ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एम स्क्वायर हो गया इक्वल टू हमारा ए पी स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको सेपरेट करके लिख लो ए एम स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर हो गया। तो ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हमारा बच गया वन प्लस, अब हम स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं पी एम अपॉन ए एम का स्क्वायर इक्वल टू ए पी अपॉन ए एम का स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आप तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करके बताओ, तो आपको इस तरह से प्रूफ करके बताना है। अब सेम यहाँ पे भी हेयर पी एम अपॉन ए एम, तो आप देखो पी एम हमारा यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, एम हमारा यहाँ पे कौन है बेस, तो ये हमारा यहाँ हो गया पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी यहाँ हमारा कौन होता है पी अपॉन बी हमारा है टेन थीटा, तो ये तो हमारा यहाँ हो गया टेन थीटा। फिर दूसरा यहाँ ए पी अपॉन ए एम, तो ए पी यहाँ हमारा कौन है हाइपोटेनियस और ए एम हमारा यहाँ कौन है बेस, तो ये हमारा हो गया एच अपॉन बी, तो आप यहाँ देखो एच अपॉन बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया एच अपॉन बी हो गया हमारा सेक थीटा हो गया, तो ये हमारा यहाँ हो गया सेक थीटा। तो अब आप यहाँ पुट कर लो इसकी जगह, तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी पुट हो गई प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू हमारी टेन थीटा के इक्वल है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आप इस तरह से अलग अलग लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और ये सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारी प्रूफ हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, अभी हमने किससे डिवाइड किया था, पहले हमने हाइपोटेनियस से किया, अभी बेस से किया, अब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करना आ गया, तो कभी आपके माइंड से अगर थ्योरम नहीं याद आ रहा है किसका किसके साथ है साइन का कॉस के साथ या किसके साथ है, तो आप एक ट्राइंगल बना लो और एक एक से डिवाइड कर लो, ये रेशियो आपको याद होगा तो आप ईजिली सारी थ्योरम को बना पाओगे। ना हम थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट में हम परपेंडिकुलर यानी पी एम से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग नाउ डिवाइडिंग, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया पी एम स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया, फिर सेपरेट कर लिया पी एम स्क्वायर से, पी एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया सेम जैसे हमने इन दो पार्ट में सॉल्व किया। फिर ए एम अपॉन पी एम, ए एम यहाँ पे हमारा बी है पी एम हमारा पी है, तो बी अपॉन पी हमारा क्या हो गया कॉट थीटा, और दूसरा ए पी अपॉन पी एम, तो ए पी अपॉन पी एम हमारा क्या है एच अपॉन पी है, तो h अपॉन p हमारा कॉसिक थीटा होता है, तो ये हमारा हो गया कॉसिक थीटा। वैल्यू पुट कर लेंगे तो थर्ड आइडेंटिटी पुट हो जाए प्रूव हो जाएगी। तो m अपॉन p m की जगह हमने क्या रखा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू ये हमारा हो गया h अपॉन p ए पी अपॉन पी एम, तो ये हमारा हो गया कॉसिक
स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। यही याद रहता है तो एक एक से डिवाइड करके और रफली आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि कहाँ पे किसके साथ क्या आइडेंटिटी है। तो आई होप आपको ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आई। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करके बतानी है। तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व प्रूफ करके बतानी है। बहुत ईजी है, एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।